नमस्कार, स्वागत है आपका इंडियन न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं। राजस्थान के जयपुर में शिया समुदाय ने वसीम रिजवी द्वारा लिखी गई पुस्तक का विरोध प्रदर्शन किया। वसीम रिजवी, जो कि उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड का पूर्व चेयरमैन रहा है, उस व्यक्ति ने मुस्लिम समुदाय के पवित्र पैगंबर की जीवनी पुस्तक को प्रकाशित किया है, जिसमें पवित्र पैगंबर की जीवनी को गलत तरीके से दर्शाया गया और अभद्र शब्दों का प्रयोग किया गया है। जयपुर में शिया समुदाय ने शिया जामा मस्जिद से पैदल मार्च कर सुभाष चौक थाने में ज्ञापन दिया तथा पुस्तक को बैन कराने व वसीम रिजवी को गिरफ्तार करने के लिए एफआईआर दर्ज करवाई। इस प्रदर्शन में शिया समुदाय के लोग वसीम मुर्दाबाद के नारे लगाते रहे और गिरफ्तारी की मांग करते रहे तथा जयपुर कमिश्नर को भी ज्ञापन सौंपा, साथ ही गिरफ्तारी की मांग की और सख्त कार्रवाई करने की अपील की है। जयपुर से जाफर अब्बास तकवी की रिपोर्ट। ये किस तरीके का आप प्रदर्शन कर रहे हैं आज? ये वसीम मुर्तद के खिलाफ जो है, यहाँ उसने जो किताब लिखी हजरत मोहम्मद के ऊपर और उस किताब में जो है पैगंबर इस्लाम के ऊपर उसने जो है ना गुस्ताखाना जो है जुमले लिखे हैं, पूरी तारीख लिखी है जो उनसे, और ये मुसलमानों का मुकद्दसात है। हम इस चीज़ को कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं कर सकते, और जब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी और उसके खिलाफ जो है कार्रवाई नहीं होगी, हमारा ये एहतजाज रुकेगा नहीं। हम एडमिनिस्ट्रेशन को बताना चाहते हैं कि ये एहतजाज हमारा रुकेगा नहीं, अगर आपने इसके ऊपर कार्रवाई नहीं की तो ये एहतजाज जारी रहेगा और इससे ज़्यादा अंदाज में करेंगे। हम किसी से फिर रुकने वाले नहीं है, फिर तादाद पे हमारी पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। अभी जो यहाँ आप अभी जो यहाँ आए, आप किस तरीके की मांगे आपकी, क्या एफआईआर दर्ज कराएंगे? यहाँ एफआईआर दर्ज कराएंगे और उसकी किताब के ऊपर जो है ना पाबंदी लगाई जाए, इस किताब के ऊपर बैन लगना चाहिए और वसीम रिजवी को फिलफौर जो है गिरफ्तार किया जाए और नरसिमरंग को जो है वो भी गिरफ्तार किया जाए और इनको इनके खिलाफ मुकदमे चलकर उनको सजा दी जाए और आइंदा के लिए पाबंद किया जाए। और आगे क्या और प्रशासन में आगे भी किसी को? हाँ, मैं यहाँ से जो है कमिश्नर के यहाँ भी हम इसको मेमोरेंडम को देंगे और उसके बाद जो है राज्यपाल साहब के यहाँ भी जो है अपना मेमोरेंडम पहुँचाएंगे और उनसे अपील करेंगे कि अगर हमारी ये बात ये न सुनी गई तो हम इससे ज़्यादा दूसरी शक्ल में जो है फिर एहतजाज अपना जारी रखेंगे। तो ये जो प्रदर्शन है आपने मतलब जो आज जो किया है यहाँ पे, इसको आप आगे सेंट्रल तक से भी कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, सेंट्रल से हमारी सबसे बड़ी अपील ये है कि उस शख्स को फिलफौर जो है गिरफ्तार किया जाए और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, उसको उसकी सज़ा दी जाए। और इस्लाम में तो इसकी सज़ा देखें, सज़ाए मौत है, लेकिन हम क्योंकि अपने हाथ में जो है एडमिनिस्ट्रेशन के से ही एक अपील करना चाहते हैं, अपने हाथ में कानून नहीं लेना चाहते हैं, लिहाजा अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने इसको खिलाफ जो है कार्रवाई नहीं की तो फिर हम शदीद तरीके जो है ना इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो राजधानी जयपुर से आज शिया समुदाय का एक भरपूर प्रदर्शन रहा, जिसमें वसीम जो रिजवी है, जो पूर्व वक्फ बोर्ड यूपी के चेयरमैन रह चुके हैं, उन्होंने मुस्लिम समुदाय के पवित्र पैगंबर के लिए एक जो पुस्तक छापी है, आज उसी का विरोध प्रदर्शन यह देखा जा रहा है। और इन लोगों की यही मांगे कि प्रशासन से ही मांगे कि वसीम रिजवी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करें और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। इंडिया न्यूज 28 से सैयद जाफर अब्बास तकवी जयपुर। जो मुस्लिम समुदाय के इनके जो पैगम्बर साहब हैं उनके संबंध में और उनके साथ में एक नरसिम्हानंद सरस्वती जी भी, उन्होंने को पुस्तक का विमोचन किया है जिसमें मोहम्मद साहब के बारे में गलत तस्वीरें प्रकाशित की हैं और उनका गलत उच्चारण किया है और पुस्तक में भी गलत प्रकाशित किया है। तो इसके संबंध में इन्होंने जो है पुस्तक को भारत में बैन करने संबंधी और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने संबंधी एक प्रार्थना पत्र दिया है और जिसपे नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।